السلام عليكم يا رسول الله. आज जो है ना एक्सट्रीम लेवल की खुशी हो रही, क्योंकि आज हम जा रहे हैं मदीनातुल मुनव्वरा। अल्हम्दुलिल्लाह हम जाएंगे हरमेन हाई स्पीड ट्रेन से इस मरतबा, और उसकी बुकिंग करनी है इंशाअल्लाह। गला थोड़ा सा खराब है मेरा आज, पर अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह। रश की सूरत देखें, सारी पूरी की पूरी ट्रेन फुल है। यहाँ पे जो है ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट। ये देखें यहाँ पे ये सीट्स है ना, इस ट्रेन का रुख इस तरफ है, यानी ट्रेन विल मूव लाइक दिस। तो आप ये दो ऑप्शंस होते हैं, एक ये सीट इस तरफ बनी हुई होती है और ये वाली सीट इस तरफ होती है। तो अगर आप ट्रेन इस तरफ जा रही है तो प्रेफरेबल है कि आप ये वाली सीट लें, ताकि आपको मोशन सिकनेस होती है ना वो ना हो। खैर अभी वक्त हो गया, हम तैयार हो जाते हैं इंशाल्लाह। और इस तरह हम लोग तैयार हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन नाखनों की जो कोई सूरत हाल है ना, कोई ये नाजुक सूरत। दो दिन के लिए जा रहे हैं, इसलिए कपड़े शपड़े और खाने पीने की चीजें रख ली हैं, एंड एवरीथिंग इज रेडी। और लैपटॉप के लिए हमने हमारा ये बैग भी है साथ में। लेट हो गए, सिर्फ एक ही फ्लाइट है, एक ही ट्रेन मिली थी 4:30 बजे वाली। ठीक ठाक बड़ा बैग है यार। सिर्फ एक नसीहत है, जब भी आपको ट्रेवल करना पड़े ना, लाजमी 3-4 दिन पहले बुकिंग कर लेनी चाहिए। ऊबर मंगवाई हुई है क्योंकि अपनी गाड़ी पार्क की हुई है। वाह भाई, ऑटोमेटिक खुल रही है गाड़ी। सलाम है। अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे पहुंच गया, 32 मिनट पहले हम लोग पहुंचे। चेक चेक एवरीथिंग गुड। डिपार्चर है जी 3rd फ्लोर में, तो यहाँ पे भी हमें इधर से जाना पड़ेगा। एंट्रेंस वेलकम। ये हमारी बुकिंग, वो डिपार्चर है, सो हमने उस साइड पे जाना है वहाँ पे। एक यहाँ पे मॉडल बनाया हुआ है, आई थिंक जो जहाँ जहाँ से ट्रेन गुजरती है वो बीच में काबा बना हुआ है। नो आइडिया क्यों। अल मदीनतुल मुनव्वरा मक्का वहाँ पे, और वो सामने लिखा हुआ है, वो है जी प्लेटफॉर्म। 10 मिनट के बाद बोर्डिंग शुरू होगी। बट लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस ट्रेन स्टेशन, कितना खूबसूरत बनाया हुआ है इन्होंने, क्लीन खूबसूरत फ्यूचरिस्टिक माशाल्लाह। असर की नमाज होगी तो 10 मिनट में नमाज पढ़ लेते हैं हम लोग इंशाल्लाह। जिंदगी की दी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज इस प्रेयर, नमाज। प्रेयर रूम मेल, शूज वगैरह रखने की जगह, हम लोग भी शूज यहाँ पे रखते हैं। वुजू वगैरह करने की जगह, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो वुजू है। ओह लुक एट दिस ब्यूटीफुल मस्जिद। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज हो गई है, नमाज पढ़ने के बाद सुकून की हालत। और इस ट्रेन स्टेशन की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। वो जो मशीनें आपको नजर आ रही हैं, उन मशीनों में इस बोर्डिंग पास का जो बार कोड है इसको करते हैं स्कैन। खुल जा सिम सिम। अल्हम्दुलिल्लाह डन। अब क्या करना है, एलिवेटर से फिर प्लेटफॉर्म की तरफ जाए। प्लेटफॉर्म 6। ट्रेन अभी तक आई नहीं, आ रही है रास्ते में। ये ट्रेन ट्रैक्स हैं जी, सऊदी अरब के ट्रेन ट्रैक्स। हमारे अहमद साहब ही मदीना जा रहे हैं। ये पंखे कितने बड़े हैं भाई, ये मैंने अभी नोटिस किए हैं। वो वहाँ पे ट्रैक्स हैं, और ये जो येलो लाइन है इसको क्रॉस करना ट्रेन के आने से पहले कानूनी जुर्म है, प्रॉब्लम हो सकती है। और इस तरह हमारी ट्रेन आ गई है, पहुँच गई है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अंदर पहले लोग बैठे हुए हैं, वो उतरेंगे दूसरी साइड से। कोच नंबर 7 एंट्रेंस। यहाँ पे भी आप लगेज रख सकते हैं अपना, उधर ऊपर भी रख सकते हैं और यहाँ पे भी रख सकते हैं, और अगर ज़्यादा है तो इधर भी घुसेड़ दें थोड़े से लगेजेस। वाह 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 वाह, बिल्कुल जहाज जैसा ही सिस्टम है यहाँ पे यार। ये हमारी बैठने की जगह थी, ये और यहाँ पे बैठेंगे। कंफर्टेबल है काफ़ी, काफ़ी कंफर्टेबल है। दे आर नॉट सॉफ्ट, दे आर नॉट हार्ड, मीडियम लेवल की कम्फर्ट है। गुड, स्टार्ट होगी हमारी जर्नी। ये थोड़ी देर में जो है ना 300 पे चला जाए। साथ में यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो आप आराम से अपनी लेग स्पेस और इंक्रीज कर सकते हैं। अलबत्त ये भी आपको मिलता है अपने पाँव ऊपर रखने के लिए। खाने की ट्रे भी मिलती है आपको, और ये कप होल्डर भी मिलता है आपको।
लेकिन आई थिंक आज हमें इसका यूज़ नहीं आएगा। ये जी डस्टबिन भी यहाँ पे दिया हुआ है, इसको देखें कितना ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है। फ्लोर्स है ना, फ्लोर्स के ऊपर इन्होंने कारपेट लगाई हुई है, सब कारपेट है, ऑल ऑफ इट। वाह, वीडियो बनाने के लिए ठीक है यार, सही लाइटिंग कंडीशन ठीक रहेगी, सेफ्टी का भी बड़ा अच्छा बंदोबस्त किया हुआ है, फायर फाइटिंग सिस्टम। अभी बस 300 किलोमीटर पर आवर में पहुंचने वाली, और पता लग रहा है कि 300 किलोमीटर पर आवर कहते किसको है। सही स्पीड में देखें कैसे भाग रही हैं चीज़ें। आई कैन नॉट एक्सप्लेन व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ इन सिंपल वर्ड्स, नहीं बता सकता। अल्हम्दुलिल्लाह टाइम आया कि इनके वॉशरूम का भी, तो एक कोच से दूसरे कोच में जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इजीली पहुंच गए। लेकिन वॉशरूम किधर है? मर्दों का भी इधर ही है, औरतों का भी इधर ही है, और ये एम्प्टी है इसलिए ग्रीन है। पुश जैसे वॉशरूम है यार, छोटा सा। यहाँ पे आपको ये मिलता है हाथ धोने की जगह, ये आई थिंक वो है साबुन है, आप इस तरह रखते हैं, ऑटोमेटिक है। ये जो है हवा के लिए, खुश्क करने के लिए। आपको यहाँ पे शेविंग मशीन के लिए भी इलेक्ट्रिक मिलती है, और अगर आपका बच्चा है तो आप बच्चे को भी यहाँ पे पैम्पर शैम्पर चेंज करवा सकते हैं। ये हो गया इस तरह करके। यहाँ से आप देख सकते हैं कितनी स्पीड में ट्रेन गुजर रही है, चल रही है। ये जो है ना थोड़ा सा डेंजरस है, तो कोच को आप इस बज रहे हैं 5:38 और इफ्तारी है, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ 55 मिनट रह गए। लग ये रहा है कि हमारी इफ्तारी मेरे ख्याल से ट्रेन के अंदर ही होगी। बस हम अभी पहुँचने वाले हैं विद इन आई थिंक 10-15 मिनट। घड़ी हमारी कह रही है भाई स्टैंड अप बहुत हो गया बैठे हुए हो। इसका बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। वेलकम टू मदीनतुल मुनव्वरा। जो यहाँ की हवा है ना यार, आई डोंट नो उसमें कैसी एनर्जी है, थोड़ा बीमार हूँ बट स्टिल, लेकिन यहाँ की जो हवा है ना उसने मुझे एकदम एनर्जी दे दी है। खैर अभी इफ्तारी का वक्त होने वाला है, इफ्तारी का बंदोबस्त करते हैं फिर होटल में जाएंगे इंशाल्लाह। मेरा प्रोग्राम है रेंट अ कार लेने का। अस्सलाम वालेकुम, फी सियारा सगीरा हबीबी, मा अंदकुम सियारा मर्रा। अभी यहाँ पे यह पता चला है कि अभी रेंट अ कार सारी जो है ना रिजर्व्ड है, ओनली रिजर्वेशंस पे होता है, तो अफ्तारी हमारी स्टेशन में ही होगी। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारे पास स्टारबक्स है, और यहाँ पे हमारे पास कोस्टा कॉफ़ी है, तो हम लोग कोस्टा कॉफ़ी से लेंगे ऑफकोर्स। अस्सलाम वालेकुम, कैन आई हैव वन ब्लैक कॉफ़ी? नो, जस्ट सिंपल कैपुचिनो। कैपुचिनो जी इधर है 19 रियाल की। खजूर और लबन, लेबन विद खजूर इन मदीना। अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी डन, नाउ टूवर्ड्स द होटल। ये कितना प्यारा कैफे बनाया हुआ है, और जैसे ही आप स्टेशन से बाहर आते हैं तो वो प्यारी सी मस्जिद आपको नजर आती है, माशाल्लाह। ये है जी खूबसूरत सा मदीने का प्यारा सा अंदलस पैलेस होटल। ए चेरियल दिस बी कैरी न्यू No, big gari, luxury. This small gari. Come in like this. Small. No problem. Come. मदीना में ये वाली गाड़ियाँ आती हैं जी टैक्सी के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, reached the beautiful hotel. कहते हैं मस्जिद के बिल्कुल करीब है, बिल्कुल करीब। Refreshing, refreshing. फीलिंग का बिल्कुल आप कोई महसूस नहीं कर सकता जब तक वो यहाँ पे आए ना यार। मौसम भी बहुत प्यारा है, उसके बाद नो वर्ड। इस वक्त जो है ना पूरे मदीना में बहुत ज़्यादा रश है होटल्स में, बहुत कम होटल खाली हैं। तो बहरहाल ये होटल भी बड़ा अच्छा है यार, इंटीरियर तो अच्छा नज़र आ रहा है। लेट्स सी इनका रूम कैसा होता है। आई हैव अ बुकिंग, कैन यू चेक टूवर्ड्स एक रूम का कार्ड हमें मिल चुका है 517, और दूसरा रूम हमारे कार्ड मिल चुका है 504। यल्ला गुरफ कमरे की तरफ चलते हैं, हमें ऊपर जाना है इसलिए ऊपर को दबाएंगे। यल्ला 504 उस साइड पे और 514 इस साइड पे।
अब आपको एक रूम टूर भी मिलेगा। यहाँ पे आपको वॉशरूम मिलता है एंड दिस इज द रूम। वैसे रूम इतना कोई बड़ा नहीं है, इट्स ओके। यहाँ पे आपको कपबोर्ड मिलता है हैंग शैंग करने के लिए कपड़े शपड़े वगैरह, पैसों के लिए ये ऑफ कोर्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कपबोर्ड के बाद यहाँ पे जी आपको बेड, एक दो तीन चार पांच बेड मिलते हैं। आप ये वाली जितनी भी डेकोरेशन है ये बड़ी जबरदस्त इन्होंने की हुई है, दिस इज अमेजिंग। यहाँ पे टीवी और यहाँ पे आपको ये अच्छे से मिरर मिलता है। नीचे इनके पास यहाँ पे कारपेट है, बेड सॉफ्ट है और अच्छा भी है, तकिया भी ठीक है, परफेक्ट। व्यू का देखते हैं यार, व्यू कौन सा है यहाँ से? ओ व्यू तो कोई भी नहीं है। और यहाँ पे मुझे टिश्यू पेपर भी नजर आए। आफ्टर रूम टूर, अभी हमें निकलना पड़ेगा कुछ देखने के लिए, खाने के लिए हमें कहाँ से बंदोबस्त कर सकते हैं। अल्लाह ठीक ठाक रश लगी हुई और वो हमारे मीनार नजर आ रहे हैं मस्जिद के, मस्जिद नबवी के। इस होटल का ये बड़ा फायदा है कि बिल्कुल 5 मिनट दूर है। काफी देर ढूंढने के बाद फाइनली हमें ये रेस्टोरेंट मिला यार, आए माशाल्लाह। खैर ये एक रेस्टोरेंट है जो हमें मिला, अबानुस शवाया मारोज। ये सारे सालन भी यहाँ पे मिलते हैं बॉस, और ये इनकी प्राइजेज हैं प्लेन चिकन 40 रियाल। ये जो जिद्दा की मार्केट है उससे काफ़ी प्राइजी है, इट्स मोर देन दैट प्राइस। ये सारे यार्ड में हमने लिए हैं जी सब, लेकिन हैरानगी की बात है कि इतनी इन्होंने प्राइस ज़्यादा रखी हुई है यार, काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे हमारे पास जी शवाया चिकन इसको कहते हैं, वो है विद चमरी चावल किया। बिस्मिल्लाह Delicious, yeah. Everything is perfect. बस ये कि मस्जिद में जाना है अभी, तरावी पढ़नी है इंशाल्लाह। नमाज पढ़ ली अभी और अभी हम जाएंगे अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करने के लिए इंशाल्लाह। मस्जिद नबी में ये जो क्लॉक है ना, ये काफी पुरानी क्लॉक है, बहुत पुरानी घड़ी है ये, के ऊपर लिखा हुआ है 1370। हमारी प्यारी मस्जिद, मस्जिद नबी में जमजम का पानी अगर मिल जाए और क्या चाहिए आपको। इज़न्ट इट, यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, एक नॉट कोल्ड वाला है जिसके ऊपर नॉट कोल्ड लगा नहीं लिखा हुआ है इसका, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह। गेट नंबर 1, ये है वो गेट जहाँ पे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दुनिया की बेहतरीन एंट्रेंस, बेहतरीन एंट्रेंस, ये दुनिया का बेहतरीन वॉकवे है उठ से मस्जिद का हिस्सा। ये है वो पिलर्स, इस अजीम मस्जिद के प्यारे पिलर्स। यहाँ पे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलाम अलैकुम या रसूलल्लाह, सलाम अलैकुम या अबू बकर, सलाम अलैकुम या उमर बिन खत्ताब। ये थी आज की वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।